हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड गरम मसाला की रेसिपी, जो कि मेरे चैनल पे काफ़ी रिक्वेस्टेड रही है। तो ये मैं वीडियो काफ़ी टाइम से लाना चाह रही थी, तो फाइनली आज मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप इस गरम मसाले को एक साल के लिए स्टोर करके रख सकते हो, और इस गरम मसाले को यूज़ करने से आपकी सब्ज़ी का टेस्ट जो है दोगुना हो जाएगा। जो आप बाज़ार का पिसा हुआ मसाला यूज़ करते हो, उसके बजाय आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें है 4 चम्मच काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और इसमें मैंने ये 3 चम्मच जीरा लिया है। इसके बाद मैंने ये 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 6 स्टार फूल लिए हैं, इसे बादियान का फूल भी कहते हैं, अगर ये ना हो तो इसके बिना भी बनाया जा सकता है। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं ये लौंग, 20 से 25 हरी इलायची ली हैं छोटी इलायची, और 20 बड़ी इलायची ली है मैंने। इसके अलावा ये जावित्री ली है, ये तकरीबन 5 से 6 पीस लिए हैं छोटे छोटे। और इसके अलावा हम थोड़े से तेज़पत्ता बे लीफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 6-7 तेज़पत्ता है। अब इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, पैन में इसे ड्राई रोस्ट करना है, जिसे हम आसानी से इसे पीस पाएंगे मिक्सी के जार के अंदर। और इसे भूनने से, हल्का सा भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका निकल के आता है। तो ये देखिए मैं इसको भून लेती हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, हल्का सा इसको बस सेक लगाना है जिससे ये। और ये मैंने लिया एक जायफल, जिसे मैंने तोड़ के यहाँ पे ऐड किया है। ये बाकी गरम मसालों में मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो एक जायफल का पीस को मैंने तोड़ के डाल दिया है यहाँ पे। और ये जो तेज़पत्ता लीफ है, ये बे लीफ जो है, इसको भी मैं तोड़ के डाल रही हूँ जिससे इसे भूनने में आसानी रहे। और ये जो दालचीनी के टुकड़े हैं, इनके भी हम छोटे छोटे पीसेस कर देंगे, और इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूनिए। तो मैं यहाँ पे ये तेज़पत्ता के जो पीसेस हैं इसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसे चलाने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको बाद में भून लूँगी। तो मैं इसको पहले गरम मसाले को इस तरह से भून लेती हूँ। और ये जो गरम मसाला भुन रहा है, इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस ये भुन चुका है, अब इसको ज़्यादा नहीं भुनना है हमें। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और बाकी का बचा हुआ जो तेज़पत्ता लीफ है, बे लीफ है, उसको मैं साथ में भून लूँगी। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसके बाद जो बे लीफ बचे हुए हैं हमारे पास, तेज़पत्ता जो लीफ है, उसको भी भून लेते हैं हल्का सा। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप इसे भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी भून के रेडी हो जाएगा। तो हमारे तेज़पत्ता भी भून के रेडी हो गए हैं, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और एक मिक्सी के जार में डाल के हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे। तो पहले मैं तेज़पत्ता लीफ है उसको क्रश करके हाथ से इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ये मिक्सी का छोटा जार है, इसमें गरम मसाला बहुत ही बारीक पीस जाता है, तो इस छोटे जार में मैं इसको 2 बार में पीस लूँगी। तो पहले मैं तेज़पत्ता लीफ को थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ, और उसके बाद दालचीनी के टुकड़े, जो मोटा मोटा मसाला है, वो मैं इसमें डाल के पहले हल्का सा दरदरा पीस लूँगी, और उसके बाद फिर से मैं इसमें बाकी का मसाला डाल के पीस लूँगी। तो बस अब इसको एक बार हम हल्का सा मिक्सी को चला लेते हैं, जिससे हमारी मिक्सी के जार में थोड़ी सी जगह बन जाएगी, और उसके बाद हम बाकी का मसाला इसमें डाल के उसको भी पीस लेंगे बारीक। तो ये मैंने हल्का दरदरा सा पीस लिया है, और बाकी का मसाला डाल के भी मैं इसे चला लेती हूँ। तो इस तरह से बनाया हुआ गरम मसाला आप अपनी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, आपकी सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा इससे।
और इसे आप एक साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारा गरम मसाला बनके रेडी हो चुका है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए आप, एक साल तक चलेगा ये। तो ये बहुत ही बारीक पीस किया है ये देखिए, तो मैं इसी प्लेट में से निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा गरम मसाला बनके रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बारीक पिसा हुआ है। आप इस तरह से घर पे गरम मसाला तैयार कर सकते हैं और उसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए, जिससे आप इसे ज़्यादा दिन के लिए चला सकते हैं। ये मेरे पास एक एयर टाइट कंटेनर है, इसमें मैं भर के इसे रख लूँगी। तो बहुत ही आसान है घर पे गरम मसाला बनाना। तो आप इस तरह से घर पे गरम मसाला बना सकते हैं। तो ये मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में भर लिया है, अब इसको हम टाइट ढक्कन लगा के रख लेंगे। तो बस ये हमारा गरम मसाला बनके रेडी है। आप इस तरह से घर पे गरम मसाला बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।